The same car was declared to be sold on a profit of rupees 19.66 million. तकरीबन 2 करोड़ रुपए की आपने वो गाड़ी बेची in the year 2011-12. आप पिक्चर इसको वीडियो तो नहीं कर रहे हैं? बंद कर दें जरा प्लीज. रॉयल भी अभी ना करें प्लीज, मैं पहले सुन लूं सवाल, क्योंकि मेरे पास तो कोई गाड़ी नहीं है भाई. नहीं, यूएई की रॉयल फैमिली से आपने 2009-2010 के अंदर. कहाँ है ये रिकॉर्ड में है? ये जीआईटी की रिपोर्ट में आया भाई. है क्या डिक्लेयर्ड आपके रिटर्न्स के अंदर? इसके बारे में कुछ नहीं. आपके पास कभी बीएमडब्ल्यू गाड़ी नहीं रही 2009-2010 में? आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ. मरियम सफदर ओन्ड, ये अब एग्जैक्ट रिपोर्ट बता रही, मरियम सफदर ओन्ड बीएमडब्ल्यू कार विच वॉज गिफ्टेड टू हर बाय द यूएई रॉयल फैमिली एंड द वैल्यू ऑफ द कार डिक्लेयर्ड एज रुपीज 3.5 मिलियन इन द टैक्स ईयर 2009-2010. द सेम कार वॉज डिक्लेयर्ड टू बी सोल्ड ऑन अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 19.66 मिलियन. तकरीबन 2 करोड़ रुपए की आपने वो गाड़ी बेची इन द ईयर 2011-12. Such price escalation is abnormal. She declared the same BMW in her wealth statement in the next year 2012-2013 as well. आपने declare किया है इसको अपनी income tax return के लिए? मेरा ख्याल है कि ये family की कोई होगी, मुझे इस पैसे honestly. उसके बाद मैं इसको check करके आपके पास वापस आ सकता हूँ. अच्छा, ये एक और है जिसके अंदर आपने gifts receive किए हैं 2010 से लेके 2016 तक. 2010 के अंदर जो है वो आपने गिफ्ट्स रिसीव किए तकरीबन 31 मिलियन के अप्रॉक्सीमेटली. तीन मुझे नहीं पता, ये तो आपके टैक्स में डिक्लेयर हुआ है. फैमिली ने दिया ये सारी जीआईटी के अंदर है. जीआईटी हाँ, तो वो फैमिली में ने दिए होंगे. अच्छा, लेकिन इसकी तादाद बढ़ती जाती है हर साल, एंड इज दैट फाइन? मुझे ये अभी रिकॉर्डिंग हो रही है? नहीं.